क्योंकि हम आज फिर से मुंबई जाने का प्लान बना रहे हैं, तो दोस्तों के साथ आज हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में आज बाइक पे जाने का इरादा नहीं है, तो टाइम काफ़ी हो चुका है। सुबह के इस टाइम पे 4:25 हो रहे हैं। व्लॉग बनाने में लगे हुए अगर आप लोगों को कोई शॉप ना मिले तो यहाँ पर जो है रास्ते में कुंडमलिर से पहले जो है तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट पहले एक होटल है, यहाँ से आप नाश्ता कर ले क्योंकि वहाँ पे नाश्ता काफी कॉस्टली है, वैसे भी आप कर सकते हैं वहाँ। तो इसके अलावा एक चीज का ख्याल रखिएगा, पेट्रोल जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप जितने भी है नॉर्मली वो ज़्यादातर जो है वो ईरानी पेट्रोल है, तो पेट्रोल के जो है ना आप ख्याल करें 0 पॉइंट के ऊपर आपको पेट्रोल पंप PSO मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अगर कोई कार्ड सिस्टम है कार्ड के थ्रू आप जा रहे हैं तो PSO में कार्ड वहाँ पे नहीं चलता, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और इन्जॉय करें वीडियो। और वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो या कोई भी आपके सजेशन देना चाहे तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो है यूफोन के अलावा और किसी चीज़ों का और कोई दूसरे नेटवर्क के सिग्नल नहीं है। रास्ते में कुंडमलिर से जब 0 पॉइंट से टर्न लेते हैं तो वहाँ पे आप ये हाईवे स्टेट लेके जा रहा है गवादर की तरफ, तो इस रोड के ऊपर आप रुके जरूर और इस मंजर को जरूर देखें और बहुत पहाड़ों का सिलसिला और खूबसूरती बलूचिस्तान की तरफ ऐसी मशहूर है, इसको इसको जरूर इंजॉय करें। तो
फाइनल बीच पे जो है ये मेन हम बीच पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है तकरीबन रिजॉर्ट भी मौजूद है काफ़ी सारे, और हमने एक गेटेड कम्युनिटी जो रिजॉर्ट है यहाँ पे कौन मिली के यहाँ पे हमने के पहले तो डिस्कस किया कि क्या रूम चार्जेस वगैरह मालूम आती है, तो डिपेंड करता है वक्त के हिसाब से कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं और सीजन के हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 4,000-3,000 तो मतलब जिस हिसाब से, तो हमने तकरीबन 6 बंदे थे तो हमने एक रूम कराया जिसमें ख़ासतौर पर यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज है, शावर की फैसिलिटीज है, जिसकी वजह से हमने एक रूम पहले विजिट किया और फिर हम उसके बाद हम यहाँ पे इन होके अब हम जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ। रिजॉर्ट से मुराद एक कमरा होटल समझ लें सिंपल अंदाज में, और ये सामने आपको ग्रीन बॉर्डर्स के ऊपर वो सारे होटल देख रहे हैं, ये लाइन से बने हुए अपर फेसिंग के ऊपर हमने लिया है टाउन जो यानी ग्राउंड का जो एरिया है वो डायरेक्ट चीज़ ओपन होता है और वो फैमिलीज के लिए है, तो आप यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। और ये देखें फर्स्ट ग्राउंड टॉप, दरी बिछाने का तो है नहीं। चलो मामा मामा ऑटो बैठे, लेकिन जंगलियों में आ गए हम। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे कमरे सिंगल रूम्स हैं और लॉकर के अंदर भी हमें इतना ज्यादा हाई फाई तो नहीं है, लेकिन ये भी तो ज्यादा लाइफ है। तुमने देखा क्या? हाँ कौन से कंडीशन है? अंदर से कुछ वापसी में मैं ही चलाऊंगा, ये जो हरकतें कर रहा था ना
किया तुमने? अब हम निकल चुके हैं होटल से और रिजॉर्ट से और यहाँ से कराची जारसीपति एक लॉन्ग ड्राइव है, तो इसमें हम रास्ते में कुछ जगहों पे रुके हैं, कुछ पॉइंट्स पे जो हम आते हुए नहीं रुके, और वहाँ पे कुछ फोटो सेशन वगैरह करेंगे और फिर कराची के लिए रास्ते में चलेंगे। देखते हैं